कानून वापस नहीं होगा तब तक हम यहीं लगे रहेंगे। और मोदी सरकार को अपील है कि आपने जैसे संविधान को बहुमत के आधार पर तोड़ने की कोशिश किया है, ये जनता भी आपको बहुमत के आधार पे ही संविधान को जोड़ने का ताकत दिखाएगी मोदी जी, इससे अच्छा है। ऐसे है जी, जब 1955 से हमारे देश में अब तक जितने भी बाहर से लोग आ रहे थे, मैंने जिनको भी सताया जा रहा था उनको जहाँ पर नागरिकता दी जा रही थी, तो हमको सीए कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्यों लेकर आए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी आपके पास आज बहुमत आ गया है तो आप कुछ भी करेंगे क्या? आप संविधान की धज्जियाँ डालोगे? जबकि संविधान की आत्मा है वो कहती है यहाँ सभी बिना किसी धर्म का नाम लिए बगैर, किसी राष्ट्र का नाम लिए बगैर सभी एक है, तो हमारी ये राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी। पर हम जब तक आप किसी एक रूप का वापस नहीं लेंगे तब तक हम सब कुछ नहीं। जब सभी धार्मिक व्यवस्था दी गई है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए, ये कैसा लोकतंत्र है कि जनता का गला दबाया जा रहा है? देखिए, जब जनता के अगेंस्ट कोई भी पावरफुल आप कानून बनाएंगे और जनता ये एहसास करने लगेगी कि उनकी आज़ादी को कहीं ना कहीं चोट लग रही है और उनके अभी अपनी अभिव्यक्ति का, अपने विरोध करने का पावर भी छीन लिया जाए, उनका सब कॉन्सिक्वेंसी की जाएगी, तो ये भय का माहौल नहीं। देखिए, भारत हमारा है, हमारी जनता एक है, 130 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बहन का साना बसाना कांधे से कांधा मिला के हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति की है, हम अब भी करेंगे। अगर हमारे 130 करोड़ जनता के किसी भी एक नागरिक को तकलीफ होती है, क्योंकि किसी भी देश का एक नागरिक वहाँ की प्रॉपर्टी होता है और उसको अगर नुकसान होता है तो पूरे देश का नुकसान होता है। जी, मैं इसी तरीके से कहता हूँ, मैं बीजेपी था नहीं बदलते, तो हम इस सारे कानून के विरोध में यहाँ पे मैदान में है। जी नहीं, बिल्कुल हम जयपुर जागरूक करना चाह रहे हैं, जो हमारी देश की जनता भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भी इस कानून के बारे में मालूम भी नहीं है, हम उनको इस कानून के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर ये कानून लागू हो गया, सीए लागू हो गया धर्म के आधार पर, तो संविधान को खतरा है और एनआरसी आ गई तो हम लोगों को खतरा है, इसलिए एनआरसी के खिलाफ इसलिए हम इनको जागरूक करने के लिए। अब आप यहाँ से आपको दिखाते रहेंगे इन तस्वीरों को, देखिए रात का लगभग 1:30 बज रहा है रात में, और 1:30 बजे रात को ये तस्वीर आ रहा है शाहीन बाग की।